I condemn it, and certainly we also stand by the people of Bengal and all citizens residing in Bengal जिनके साथ इस तरीके की घटना घटी है. मुझे इन घटनाओं को देखकर पार्टीशन के दिन याद आ रहे हैं. दिस मेक्स मी रिमेंबर द पार्टीशन डेज. और मुझे वह भी याद है 16th of August 1946 व्हेन इट वाज अ डायरेक्ट एक्शन डे, जब डिक्लेयर किया था उस समय. और मैं ये कहता हूं कि 16 अगस्त 1946 जब मैं याद करता हूं, डायरेक्ट एक्शन डे की बात करता हूं, तो मैं उसी के साथ साथ आज जो 2 मई तारीख की दोपहर के बाद घटनाएं घटी हैं, दैट आल्सो इज लाइक ए खेला होवे डे. वह भी खेला होगा, इसकी तारीख और नंदीग्राम में जो ममता जी ने कहा था और जो आपने अभी इस स्क्रीन पर भी देखा है, वो खेला होवे डे वह 2 मई बन गया. ये हमको ध्यान में रखना चाहिए. और जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से ममता जी चुप रही हैं पूरे 36 घंटे 36 आवर्स एक्टिंग केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का. ममता जी साइलेंस स्पीक्स अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट एंड शी स्टार्ट्स हर थर्ड टर्म विथ अ ब्लड ऑन हर हैंड्स. वह अपनी तीसरी टर्म की शुरुआत उनके हाथ में लगे हुए सने हुए खून के साथ प्रारंभ होती है. ये मेरा चार्ज है. अगर हम इंसिडेंट्स को देखें, आई हैव बीन टू द प्लेसेस, अगर हम इंसिडेंट्स को देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि द टीएमसी वर्कर्स हैव टारगेटेड द बीजेपी ग्रास रूट लेवल वर्कर्स. ग्राउंड में काम करने वाले वर्कर्स को अटैक किया गया है. और दूसरा जो फीचर हमको ध्यान में आता है कि उनके परिवारों को अटैक किया गया, उनके परिवारों को अटैक किया गया. देयर फैमिलीज हैव बीन अटैक्ड एंड स्पेशली द टारगेट हैज बीन वेमेन. महिलाएं टारगेट बनी हैं और टारगेट में महिलाओं का मोलेस्टेशन एंड रेप केसेस, ये सामने उभर करके आया है. इसीलिए जब चुनाव के प्रचार में हम बोलते थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा अनसेफ हैं वेस्ट बंगाल में, तो मैं सच था. हम जनादेश का सम्मान करते हैं लेकिन जनादेश से सच्चाई छुप नहीं सकती. वुमेन हैव बीन मोलेस्टेड एंड रेप केसेस हैव टेकन प्लेस. और उसके साथ साथ लूट की घटना भी हम लोगों को देखने को मिली है. पहले अटैक टारगेट, फिर फैमिली पर अटैक, फिर विमेन पर अटैक, और विमेन पर अटैक के पश्चात फिर लूट, यह हमको देखने को मिलता है. व्हेन आई टॉक अबाउट 1946, इट वाज ब्रिटिश राज और उस समय भी ब्लड बहा था. एंड द सॉयल ऑफ कलकत्ता एंड वेस्ट बंगाल वो ब्लड से सना था. और आज भी जब मैं देखता हूं तो द रेड ब्लड ऑफ पीपल ऑफ बंगाल वह हमको 2 तारीख के बाद देखने को मिलता है. और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां मैं इसकी भर्त्सना करता हूं वहीं प्रजातांत्रिक तरीके से इन सब जो कुत्सित विचार हैं, जो जिसको मैं कहूंगा कि इनटॉलरेंस के विचार हैं, असहिष्णुता के विचार हैं, इनको हम नष्ट नाबूद करेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं. एक नई बात भी आई है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए. एरियाज लाइक संदेश खली, गोसाबा, ईस्ट कैनिंग, विलेजेस हैव बीन रैनसैक्ड, विलेजेस ऑल टुगेदर. और इसके साथ साथ यहां दे हैव टू अबैंडन द विलेजेस. ये स्थिति आई है. और इतना ही नहीं, लोगों को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, कूच बिहार से और उसके ऊपर से लोगों को जाकर के असम में भी
रिफ्यूज लेना पड़ा है, असम में जाकर के अपनी जान बचाई है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। और जब मैं ईस्ट केनिंग की बात करता हूं और इस इलाके की बात करता हूं, लास्ट ईयर ये वही एरिया है जहां इनको अम्फान की त्रासदी सहनी पड़ी थी और इस साल इनको ममता फार्म की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। दे हैव अबैंडन्ड देयर विलेजेस। मेरे सारे चार्ज को आप नोट कीजिए और जरूर जाकर के, मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता जगत में वहां जाकर के इसको कंफर्म कीजिए। लास्ट ईयर अम्फान, दिस ईयर ममता फार्म, और उनके साथ फिर से ये डबल ट्रेजेडी हुई है, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, अगर मैं इस ट्रेजेडी के बारे में कहूंगा, ठीक है जनादेश में ममता जी जीत गई, लेकिन मानवता हार रही है। 2 तारीख के बाद जो घटनाएं घटी हैं वो स्पष्ट बताती है कि बंगाल के बारे में जो हम सब लोग चाहते थे इस बंगाल को बनाने का, वह ममता जी के चुनाव के नतीजे के साथ साथ विफलता और बिखरता हुआ दिखता है, यह मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं हमारे लोगों की, तो मैं जब ये लिख रहा था और आपके लिए नोट करके आया था, तो उस समय मरने वालों की संख्या 9 थी। आज जब मैं अभी पहुंचा हूं 2 घंटे बाद, तो जान जाने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। मुझे मालूम नहीं ये टैली कहां रुकेगी और ये किस तरीके से, जिस तरीके से चल रहा है वो कैसे और कहां पहुंचेगा, वो हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। लेकिन यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं, बीजेपी स्टैंड स्ट्रांगली विथ एवरी बीजेपी कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़ी है और हम ये लड़ाई बंगाल की जनता के लिए, सारे बंगाल की जनता के लिए कंक्लूसिव एंड तक लड़ाई लड़ेंगे, निर्णायक मोड़ तक लड़ाई लड़ेंगे। वी विल फाइट टिल द कंक्लूसिव एंड, निर्णायक मोड़ तक हम इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। और यहां जो इश्यूज हैं, जो विषय हैं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे, उनका हम निष्पादन करेंगे। और उसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो बंगाल में रह रहा है वह डिग्निटी के साथ रहे, वह इज्जत के साथ रहे, वो निर्भय होकर के रहे और वो निर्भय होकर के जीवन यापन करे, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उसको हम पूरा करेंगे। आज सवेरे हमारे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें हमारे विधायक, सांसद और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। हमने एक्सेप्ट किया है कि हम विपक्ष में, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। 77 MLAs हैव बीन इलेक्टेड, 37%+ ऑफ वोट्स हैव बीन गिवन टू अस। हम इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और इसके निभाने में मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हर बंगाली को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार मिले, उसकी बंगाली अस्मिता बरकरार रहे और उसके साथ साथ वह एक अच्छे से जीवन जी सके, निर्भीक होकर के जीवन जी सके, यह हम जरूर कहना चाहेंगे। इसके साथ साथ मेरा ये चार्ज है, जब मैं ममता जी साइलेंस बोलता हूं और मैं बोलता हूं कि ब्लड्स ऑन हर हैंड, मैं इस सारे विषय को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बोलता हूं। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम और इसीलिए डेमोक्रेटिकली लड़ते हुए हमारे कार्यकर्ता इसको निर्णायक मोड़ तक लेकर के जाएंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। एक मुझे बहुत ही कौतूहल है, हो रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है, और मैं पॉलिटिकल साइंस का कीन ऑब्जर्वर हूं। पिछले 2 दिनों से ये सारे ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस, पता नहीं मुंह में ताला लग गया है, चुप्पी छा गई है, क्या हुआ है, ये सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ते हैं क्या? एंड आई एम ऑल्सो शॉक्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, पिछले 2 दिनों से एक भी कंडेमनेशन की स्टेटमेंट नहीं है। दिस स्पीक्स अबाउट डबल स्टैंडर्ड्स। और मैं फिर पूरी जिम्मेवारी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने अपने भारतीय जनसंघ के दिनों से आज दिन तक
अपने स्टैंड में कंसिस्टेंसी रखते हुए मानवता की सेवा को सबसे ऊपर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर के हम चलते रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, जब नतीजे आ रहे थे और नतीजों का कंक्लूजन हो रहा था, तो उससे पहले ही नरेंद्र तोमर जी ने, भारत के कृषि मंत्री ने ममता जी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की लिस्ट को भेजो। वी स्टैंड कमिटेड। बंगाल के किसान जिनको हमने कहा है, वायदा किया है, हम अपनी मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम पूरा करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि ममता जी पर अब सुबुद्धि आए और वह आयुष्मान भारत के बीच में उनका अहम न खड़ा हो जाए, इसकी भी उनको चिंता करनी चाहिए, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। हमें जो जनादेश मिला हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन बंगाल की जनता की सेवा में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे, यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो घटनाएं घटी हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं और हमारी पार्टी हर विषयों को लड़ना जानती है। हम इसको कंक्लूसिव एंड निर्णायक मोड़ तक और साधारण बंगाली की अस्मिता और साधारण बंगाली को इज्जत के साथ जीने का मौका मिल सके, इसका वातावरण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहूँगा आप सबसे, हमने प्रेस को रिलीज़ किया है, हमारे शपथ पत्र को आप ज़रूर पढ़ें और हमारे शपथ पत्र को आप ज़रूर हाईलाइट करें, जिसमें हम लोगों ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसमें हमने कहा है कि बाबा भीमराव और अम्बेडकर भारत रत्न के रास्ते पर बताए हुए संविधान की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और संविधान में सभी लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू लिव, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये सिलेक्टिविज्म, इसको हम नस्तो नाबूद करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे ये 21वीं शताब्दी का बंगाल जो दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से रिट्रेट करता हूँ, ममता जी की बंगाल की संस्कृति बंगाल की संस्कृति नहीं है। ना उनकी भाषा बंगाली रिप्रेजेंट होती है, ना उनका कर्तृत्व बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। आज श्री अरविंदो क्या सोचते हो, आज रविन्द्रनाथ ठाकुर को क्या लगता होगा बंगाल के बारे में, आज सुभाष चंद्र बोस को क्या लगता होगा, आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या लगता होगा, क्या बंगाल जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन और जिसको बोलते हैं कि हर तरीके का रिवॉल्यूशन लाने वाला बंगाल था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया और कहाँ किस परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया, ये तस्वीरें दिल दहलाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए कृत संकल्प है, वी आर कमिटेड टू फाइट।